बिहार के बेगूसराय जिले में दो दिनों से हो रही गोलीबारी में आज एक व्यक्ति के सर में लगा गोली और आज ममता इमरजेंसी हॉस्पिटल में हुआ उसका मौत। और इस घटना के विषय में आपको बता दें कि कल जो व्यक्ति किया था FIR, जिस व्यक्ति पे कल हुआ FIR उसी व्यक्ति का आज हुआ है मौत। और एम्बुलेंस जैसा कि आप देख रहे हैं आ चुका है इसी ममता हॉस्पिटल में बेगूसराय जिला के सामहो थाना क्षेत्र अंतर्गत टोटहा गांव का एक व्यक्ति के सर में अपराधियों ने मारा गोली और उसके ममता इमरजेंसी हॉस्पिटल में आज 9 बजे के बाद से चला इलाज और इलाज उपरांत उस व्यक्ति की अभी अभी हुई है मौत। मामला क्या था? शंकर चौधरी को पैसा दिए थे खेत पशु भरना के लिए। अच्छा। तो खेत जोत रहे थे, उसके बाद स्ट्रॉबेरी टाइम मैंने इस साल मैंने खेत जोतने लगा। अच्छा। शंकर चौधरी अपने। अच्छा। और पैसा मांगने बोला कि पैसा नहीं देंगे, यही पैसा हम आपसे लड़के फरिया लेंगे। अच्छा। उसके बाद कल भी मैंने मेरा गया था साला मेरा लगता है वो गया था तो उस पर भी कल भी गोली चलाया। अच्छा। और आज भी घर से आया खाना खाने के लिए डेरा पर से तो उसको रगदा तो वो भाग गया जान बचा के डेरा देने भाग गया और उसी बीच में क्रम में हल्ला सुने तो निकले हैं घर से बाबू साहब चौधरी और निकलने के बाद इनको घर से घींच के ले जाके। अच्छा। रोड अकेले तो घींच के नहीं गए? अच्छा, तीन आदमी मैंने घर से घींच के ले गए। अच्छा। और दो आदमी इंतजार कर रहा था जो ऑर्डर उसका दोनों हेड जो था। अच्छा। वो शंकर चौधरी और अभिषेक वो इंतजार कर रहा था वहाँ क्या आएगा लेते ही मारेंगे। वहाँ जाने के बाद लेके तीनों ले घींच के ले गया और उसके बाद क्या कहता है शंकर चौधरी बोला कि इसको गोली मार दो। ठीक। सलाक मार दो। उसके बाद वो गोली मार दिया। गोली मार दिया गया तो। अच्छा, एक चीज आप जिनका मौत हुआ है उनका आप कौन हुए रिश्ते? हम दम जमाई लगते जमाई लगता। अच्छा, तो जानकारी मिला तो आप यहाँ आए। तो यदि एक चीज सवाल यहाँ ये उठता है कि जब कल गोलीबारी की घटना हुई कल भी FIR वगैरह दर्ज हुआ होगा? आज से एक महीना पहले भी गोलीबारी हुई थी। यानी यह घटना जमीनी विवाद को लेकर के लंबा चल रहा था। एक महीना हो गया लगभग 8 तारीख को अगले महीना हुआ था। हाँ। उसके बाद मेरा छोटा साला पकड़ के मारपीट भी किया था उस टाइम। उसके बाद कैसे जान बचा के कैसे छूटा उसके बाद उसको छोड़ने के बाद क्या कहता है भाग गया। उसके बाद फिर रात में फिर चढ़ के तीन आदमी से चढ़ा और लगभग 10-20 राउंड गोली घर पर चलाया। लेकिन गोली चलाने के बाद लोग गए थाना पे FIR भी किए लेकिन एक महीना के दरमियान में FIR करने के बाद भी वहाँ के थाना प्रभारी कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया और उससे पैसा में 1.5 लाख रुपया खाया। उसके बाद केस को दबा दिया। अगर एक महीना पहले अगर इस पे संज्ञान लिया जाता तो आज नौबत नहीं आता। बाबू साहेब चौधरी जो बेगूसराय के सामहो दियारा के टोटहा गांव के हैं उनकी सर में गोली लगने से मौत हो गई और इनका आरोप है जो रिश्ते में जिनका मौत हुआ है मृतक का ये दामाद है। इनका आरोप है कि यदि पुलिस एक्टिव होती अपराधियों की पहले से गिरफ्तारी होती तो मेरे ससुर का इस प्रकार से मौत नहीं होता। और यहाँ पे देख लें कि ये सभी परिजन हैं। अब कुछ समय के बाद यहाँ से इन परिजनों के बीच से सबको यहाँ इन्हीं लोगों के आगे से लेकर के जाया जाएगा बेगूसराय सदर अस्पताल और वहाँ जा कर के इनका कहा जाए कि करवाया जाएगा पोस्टमार्टम और उसके बाद दाह संस्कार की होगी प्रक्रिया या बिहार में फिर से एक कहा जाए दियारा छीर क्षेत्र में गोलीबारी की घटना में हो रही है बढ़ोतरी और कब लगेगा इस पर लगाम। ऐसा कि ये लोग बता रहे हैं कि एक महीना से इस प्रकार का घटनाक्रम चलता आ रहा है और इस घटना में जमीनी विवाद अहम है जैसा कि मृतक के परिजनों का आरोप है और यहीं पे हैं उनकी बेटी हैं। आप देखिए हम तो वहाँ रहते हैं ना। अच्छा। लेकिन जानते हैं
जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद। हाँ। और ये रुपया का मामला है, रुपया क्या बोले माता श्री? रुपया का मामला है, शंकर चौधरी 2.5 लाख रुपया लिए और जमीन दिए सुद भरना, 3 साल हम बुनलिए। अच्छा। आबड़ी दा वो जमीन दखल कर लेलखिन, पैसा आपका रिटर्न नहीं किया? ना, तब हम बोलिए कि जे जमीन ठीक छे तो दखल कर ले लो, हमरा पैसा दे दो। पैसा जब मांगलिए तो बदमाश के क्रिमिनल के पोसना शुरू कर दिलखिन, झूना बेटा, झूना राय बेटा के। अच्छा। ओकर बाद आर जितना जे भी छे ओकरा नाम अब तो ज्यादा है, 10 गो 5 गो के दिन भर खिलाता पिलाता है, आसान पर मने दम साता घरियाता गोली चलाता। कल भी गोलीबारी हुआ था? हाँ। क्या कल भी आपके बेटे को मान लीजिए कि जख्मी हुआ था क्या? नहीं, कल नहीं होले, कल नहीं, लेकिन आज फिर जख्म करे खातिर दौड़ले। हाँ। दौड़ले वही आवाज तने हमर निकल लखिन पति, प्रशासन के हम पहले फोन कर दिलिए, प्रशासन वो पैसा दे रहे ओकरा प्रति ध्यान लगावे रहे, हमरा प्रति ध्यान नहीं लगावे। लेकिन वहाँ का प्रशासन कारण की बता रहे हैं जैसा कि 1 महीना पहले भी गोलीबारी हुआ, कल भी हुआ और आज भी हो गया, आज तो मौत ही हो गया। यदि वहाँ का प्रशासन एक्टिव रहता तो नहीं होता? प्रशासन बोलता है, प्रशासन हम लोग पर ध्यान नहीं देता है, वो दबंग है, उस पर ध्यान देता है, दबंग है। हाँ, वो दबंग है, पैसा वाला है, ऊपर बात दबंग है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल को पोसता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि से अगर हम प्रशासन पर कोई क्लेम नहीं लगा रहे हैं, अगर कल ऐसा क्राइम हुआ, अभी अगर जो क्राइम हुआ तो जैसे शंकर चौधरी केस किया किया ना, तो जब केस किए तब आप कार्रवाई करते तो ऐसा नहीं घटना घटता, घटना नहीं घटता, आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये देखें कि एक तरफ मृतक बाबू साहब चौधरी बोल रहे हैं नाम न पिताजी का, बाबू साहब चौधरी की एक तरफ पुत्री हैं और एक तरफ उनकी धर्म पत्नी, और इन दोनों का आरोप है कि इस प्रकार का जो घटना जमीनी विवाद लंबे समय से चल रहा था, यदि वहां का प्रशासन एक्टिव होता तो इस प्रकार का घटना घटित नहीं होता। बने रहे सज्जन समाचार के साथ, नमस्कार।